फाउंटेन रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो ये चैप्टर लगभग फोल्ड हो गया है ना। तो देखिए जो हमारे पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट थे है ना, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से थे हमारे पास? बोरान है ना, बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया ना, वेरिएशन यही देखना है हमें। तो जो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है ये पीरियड टू हो गया, और पीरियड थ्री के बाबू अली एल्यूमिनियम हो गया, कार्तिक सी नंबर टू अगर हम लोग कहें, टू ये है और ये पीरियड थ्री है ना। पीरियड वन तो दो ही एलिमेंट होते हैं, तो जो पीरियड टू है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन जब एड अप करने के लिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड होगा? सेकेंड सेल में, क्योंकि इसके पास दो सेल होंगे पीरियड टू वाले एलिमेंट के पास। कौन कौन सेल होगा? के सेल होगा और एल सेल होगा। इसके पास कौन सा होगा? के होगा, L होगा और M होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन आप एड अप करोगे तो यहाँ पे सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट में L सेल में जाके ऐड होगा और इसमें क्या होगा? M सेल में जाके ऐड होगा। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होती है? बढ़ती है। जब साइज बढ़ेगी, ठीक है, ये साइज बड़ी हो गई और सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट के लिए साइज क्या होती है? छोटी होती है। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ही टास्क है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है? सपोज ये K सेल है, ये L सेल है और ऊपर वाला M सेल है। तो यहाँ पे जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन M सेल में ऐड करना है। साइज क्या है? बड़ी है। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है कौन से सेल में? सेकेंड सेल में। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन आप एड अप करने के लिए आते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है तो इसको ज्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई ना? इसका मतलब कि अगर आपको ये वाला टास्क परफॉर्म करना है फिर भी यहाँ पे प्रोसेस क्या होगा? फिजिबल, कम एनर्जेटिक होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेकेंड पीरियड जो पीरियड नंबर टू है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गेन इनथैल्पी होती है क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन जो थर्ड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है? बड़ी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किससे? पीरियड नंबर टू से। तो यहां पे हम लोग ये बात लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ पीरियड टू एलिमेंट, पीरियड थ्री एलिमेंट इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ पीरियड टू एलिमेंट्स। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साइज छोटी होने की वजह से जो पीरियड टू की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी, दस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा या इतना ही काफी है, ठीक है लिख लो। हाँ मोर रिपल्सन, और पहले समझा दिए, रिपल्सन ज्यादा होगा वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक है ना, पॉजिटिव हो जाएगा एक तरह से, या हम कहें लेस एक्सोथर्मिक होगा। नोट कर लो, बोलो। तो हम लोग इस चीज को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कैसे आप सोच सकते हो कि साइज डिक्रीज अगर करती है, तो साइज डिक्रीज करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज का मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा रिपल्सन फेस करेगा, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गए, रिपल्सन बढ़ गया। रिपल्सन बढ़ने का मतलब कि अब जो हमारा टास्क है डिफिकल्ट हो गया, मतलब अब हमें और ज्यादा एनर्जी पे करनी पड़ेगी उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इंक्रीज करती है तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है दैट इज माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अगर ये चीज इंक्रीज करती है तो पूरी चीज डिक्रीज करेगी, ठीक है। इसका मतलब ये या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, ठीक। ये हम आर्गुमेंट दे सकते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के लिए। ठीक है, जो हैलोजन फैमिली होती है, क्या होता है हैलोजन फैमिली, फिर कल बाहर आई आंटी है ना, आंटी। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे जाने पे साइज क्या होता है, बढ़ता है, बिकॉज सेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और अगर सेल इंक्रीज कर रहा है तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जब ऐड करने के लिए जाओगे तो एटम इतना टाइटली इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं करेगा, है ना। अब ऐसे सोचो कि कोई चीज अगर हम स्क्वीज करते हैं, जैसे आप सोचो एक सिंपल सा अगर हम लोग सिनेरियो सोचे कि कोई मान लीजिए कि वो सोखता वाला होता है ना, जो पानी में आप डाल दो तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा आप उसको, हाँ कॉटन स्पंज, स्पंज है ना, स्पंज। अब स्पंज को जितना कम दबाओगे, कम थोड़ा दबाओगे तो कम ही उससे वाटर रिमूव होगा, लेकिन ज्यादा स्क्वीज कर दोगे तो ज्यादा वाटर रिलीज, तो जितना टाइटली होल्ड करोगे उसको उतना ज्यादा वाटर क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये कॉन्सिक्वेंस आप अपने आप को एक नहीं होता है कि ऐड कर सकते हो इन चीजों को, कि जितना ज्यादा एटम जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड अप करने के लिए आ रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा एटम, उतना ज्यादा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। और जितना ज्यादा डेल्टा ईजी एंडोथर्मिक, जितना ज्यादा निगेटिव होगा ये, जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना ज्यादा ये पॉजिटिव होगा, ये बात समझ में आया ना। इसका मतलब ये क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगा, ये बात समझ में आया ना। ये जितना ज्यादा निगेटिव होगा मतलब जितना रिलीजिंग होगा, इलेक्ट्रॉन जितना रिलीज करेगा एनर्जी, जितना रिलीज करेगा उतना ज्यादा ये क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सब ज्यादा है वो ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा, और वो ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा तो वहां पे एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगी, है ना, उतना ज्यादा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक होगा, और ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, ये उतना ज्यादा होगा। अब पूरे पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि जो हैलोजन फैमिली है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, सेकेंड पीरियड में ठेका किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, थर्ड पीरियड में क्लोरीन के पास है, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फोर्थ पीरियड में ब्रोमीन के पास है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में इनके पास है ना। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक। अब हमने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो उतना ज्यादा रिलीजिंग होंगे, तो अपने पीरियड में अगर कंपेयर किया जाए, सेम पीरियड में अगर बात करें तो सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, तो ये सबसे ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उतना ज्यादा निगेटिव होगी, और जितना ज्यादा निगेटिव होगी ये माइनस लगने के बाद वो उतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी फ्लोरीन की, अपने पीरियड में सबसे हाईएस्ट हो गया, अपने पीरियड में क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट हो गया, ये बात समझ में आना। हाँ नहीं नहीं अपने पीरियड में, हमने पीरियड की बात किया, ठीक है, अपने पीरियड में बात करें, सेंटेंस ध्यान दिया करो, है ना।
अब लेकिन अगर हम ग्रुप में कंपेयर करें तो ग्रुप में हमने कहा कि ये पीरियड टू का एलिमेंट है। अब पीरियड टू पीरियड थ्री के बीच में चक्कर आ जाता है क्या, रिपल्सन का, है ना। साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन होल्ड तो करेगा लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इतना ज्यादा है, अंदर वालों का विरोध इतना ज्यादा है, अंतः विरोध इतना ज्यादा है कि उतना टाइटली होल्ड नहीं किया, वो प्रोसेस नियरली क्या हो जाएगा, एनर्जी थोड़ी हमें पे करनी पड़ेगी या कम एक्सोथर्मिक होगा। तो ये तो एक्सेप्शन हमने देख लिया कि अब क्लोरीन का ज्यादा और यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड होता है, यहाँ पे एक आपका क्या आता है, एक्सेप्शन आता है। तो अरे ठीक है, ये होना चाहिए था, ये एस्पेक्टेड था, है ना, एक एस्पेक्टेड था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सही था, यहाँ तो सही था, और यहाँ पे नीचे जो ट्रेंड यूजुअल ट्रेंड था, क्यों, क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, और साइज अगर इंक्रीज कर रही है, फिर से हम लोग रिलेट कर लेते हैं, नीचे आने पे साइज इंक्रीज कर रही है। साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि साइज बढ़ने का मतलब कि अब रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन छोड़िए, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जाएंगे आप तो वो टाइटली होल्ड नहीं करेगा, लूजली होल्ड करेगा, है ना। तो साइज बढ़ने से जो डेल्टा ईजी है वो क्या हो जाएगा, लेस एक्सोथर्मिक होगा, और लेस एक्सोथर्मिक, लेस निगेटिव हो जाएगा तो ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटने लगेगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। ये बात समझ में आया ना, नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड का क्या है, अपना एक्सेप्शन है जो हम लोगों ने देखा। ये बात समझ में आया। सिमिलर अगर हम लोग जाए सेम ट्रेंड में उससे टीपो, है ना, या ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, ये आपका क्या हो गया, दैट इज ग्रुप नंबर 16 हो गया, है ना। क्या हो गया, ये ऑक्सीजन फैमिली है, तो ऑक्सीजन फैमिली में ये पीरियड टू हो गया और ये क्या हो गया, पीरियड थ्री हो गया। एक्सेप्शन के हिसाब से पहले ट्रेंड क्या कहता है, जो ट्रेंड कहता है, नॉर्मल ट्रेंड कहता है कि साइज अगर बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ये तो ट्रेंड कहता है। लेकिन ये एक्सेप्शन प्रोड्यूस करता है, क्यों एक्सेप्शन इसलिए प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से, है ना। तो ये आपको याद तो रखना है, आर्गुमेंट के साथ याद रखेंगे तो याद रहेगा वो, ठीक है। अब हम लोग क्या कहेंगे कि नीचे जाने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटने लगेगा क्योंकि साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है, है ना। तो यहां पे अगर ट्रेंड देखा जाए, यहां पे ट्रेंड देखा जाए, ठीक है, तो यहां पे जो ट्रेंड आप लिखोगे, आप लिखोगे सबसे पहले कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, सबसे ज्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, और उसके बाद क्या आएगा, फिर फ्लोरीन, और उसके बाद बीआर, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और उसके बाद एटी हो जाएगा। समझा गया, तो ये ट्रेंड हो गया जो एक्चुअल ट्रेंड है, ठीक। यहां पे ट्रेंड अगर कहेंगे तो बताइए क्या कहें, सल्फर पहले आ गया, सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद एसी हो गया, उसके बाद टीआई हो गया, उसके बाद पोलोनियम हो गया, है ना। लेकिन ये गलत होता है, ये ध्यान दीजिए, ठीक। ऑक्सीजन इतना कम हो जाता है कि सबसे लास्ट में चला जाता है। अब ये डेटा वाइज है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि ये डेटा हैंडल है ना, डेटा कलेक्ट किया गया है। लेकिन इसका तो ट्रेंड याद रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हम इसी के ट्रेंड में उसको भी लगा दें, जैसे अभी हम लोगों ने किया, है ना। तो ये क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगा, तो एसी हो जाएगा, टीआई हो जाएगा, और पीओ हो जाएगा, और ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, है ना, नोट कर लीजिए।